मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं बीमा का संक्षिप्त इतिहास की अंतिम कड़ी, तीसरी कड़ी। इससे पहले दो सीरीज में हम आपको बीमा का 6000 वर्ष पुराना इतिहास बता चुके हैं। भारतीय जीवन बीमा में निगम ने किस तरह से 1956 से अपनी स्थापित होने के बाद से लेकर के अब तक क्या उसकी कार्यशैली रही, और आज कुछ हम महत्वपूर्ण उस विषय पर चर्चा करेंगे जो इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा। दोस्तों, जीवन बीमा निगम व्यापार क्षेत्र में कुछ कीर्तिमान है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1818 भारत की धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से काम करना शुरू किया। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया। 1912 इंडियन लाइफ बीमा कंपनीज एक्ट जीवन बीमा व्यापार को व्यवस्थित करने वाला पहला कानून बना। 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियमित किया गया ताकि सरकार जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों व्यवसाय के बारे में सांख्यिकी जानकारी एकत्रित कर सके। 1938 में बीमा अधिनियम द्वारा पहले से कानून को समेकित और संशोधित किया गया ताकि जनता के हितों की रक्षा की जा सके। 1956 में 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों को, प्रोविडेंट सोसाइटियों को केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। LIC संसद के एक अधिनियम LIC अधिनियम 1956 द्वारा भारत सरकार से 5 करोड़ रुपए की पूंजी योगदान के साथ गठित किया गया। दूसरी ओर भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता में वर्ष 1850 में स्थापित पहली सामान्य बीमा ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने जरे जमा सकता है। भारतीय सामान्य बीमा व्यवसाय के कुछ महत्वपूर्ण कीर्तिमान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना सामान्य बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को संचालित करने वाली पहली कंपनी थी। 1957 में भारतीय बीमा संघ की एक शाखा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल उचित आचरण और ठोस व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता तैयार करती है। 1968 में निवेश को विनियमित करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया और न्यूनतम शोधन क्षमता, मार्जिन और टैरिफ सलाहकार समिति की स्थापना की गई। 1972 में भारतीय बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 ने 1 जनवरी 1973 से भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया। 107 खमाकर्ताओं का समामेलन किया गया और उन्हें 4 कंपनियों में बांटा गया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, GIC को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये बीमा का इतिहास का संक्षिप्त परिचय हमने सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 के वीडियो में बना के दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये तीनों सीरीज की वीडियो देख लेते हैं तो आप बीमा के इतिहास का भारत में कब से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन परिस्थितियों में बीमा व्यवसाय को बढ़ाया गया, वो सारी जानकारी आप तक अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पिछले 24 साल से ज़्यादा समय से वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे टीम में जुड़ करके आप अपनी इनकम को, आप अपने कारोबार को, आप अपने विचार को, आप अपने व्यापार को, आप अपने व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं, कंधा से कंधा मिलाते हैं। स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें और विस्तार से समझें कि किस तरह से आप हमारे संस्था के साथ में जुड़ करके आप अपना बहुआयामी विकास
कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।